अब पाएं गंजेपन से छुटकारा मात्र 7,999 रुपए में 2 घंटे में हेयर रिप्लेसमेंट द्वारा। हमारा पता है फेसिया फैमिली सैलून, महाराष्ट्र बैंक के सामने, दिल्ली रोड, सागर। मैं आर्यमान की मम्मी हूँ। वो तो मैं हूँ आर्यमान। नाम आर्यमान जोशी, उम्र 2 साल 10 महीने, पता रतलाम। यदि आप इस बच्चे को मामूली समझ रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र के बच्चे आमतौर पर पापा या मम्मी ही बोल पाते हैं, लेकिन आर्यमान ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही आर्यमान 1 से लेकर 200 तक की गिनती बोल लेता है। वहीं शास्त्रीय संगीत के साथ स्वर भी इसे याद है। अंग्रेजी अल्फाबेट लिखते हुए यदि कोई इन्हें देख ले तो आश्चर्यचकित हो जाता है। दुनिया के टॉप स्कूलों में एडमिशन के भी ऑफर आ चुके हैं। आर्यमान ने अभी कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रास्पिंग पावर जीनियस किड व नोबल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यंगेस्ट मल्टी टैलेंटेड बॉय का खिताब जीता है। आर्यमान जब 1 साल का था तब से वो इंटरेस्ट ले रहा था पढ़ाई में, बुक्स रीडिंग में, अल्फाबेट्स, नंबर्स, तो हमने इस चीज को रेकमेंड किया एंड ही स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग। ही हैज मेड अस प्राउड, सो थैंक यू नोबल। आई एम प्राउड ऑफ यू आर्यमान। ये इसका हमें अच्छा रिजल्ट दिया आर्यमान ने। और लॉकडाउन के इस कठिन घड़ी में हमें भी एक मकसद मिला, हमने अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाना और उसे ग्रूम करने के लिए अपना समय देना शुरू किया और उसने भी हमको बहुत अच्छा आउटपुट दिया ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर। थैंक यू नोबल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड थैंक यू कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। थैंक यू। What is your name? My name is Arivan Dachi. What is your father's name? Bolo, door se bolo. Acha, what is your mother's name? Acha, what is your brother's name? This is Kim. आर्यमान की मां गांधीनगर निवासी दिव्या पाटीदार जोशी मिसेज इंडिया 2018 रह चुकी हैं। वहीं इनके पिता प्रयास जोशी नेवी ऑफिसर हैं। आमतौर पर बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। मां दिव्या जोशी ने बताया कि आर्यमान 6 महीने का था तभी से वह एजुकेशनल कार्टून देखता था। आर्यमान की उम्र करीब 1.25 साल थी तब हम घूमने गए तो एक होर्डिंग को देख उसने अक्षरों को पढ़ना शुरू कर दिया। जी, मेरा नाम है दिव्या पाटीदार जोशी और मैं आर्यमान की मम्मी हूँ। वो तो मैं हूँ आर्यमान। हाँ। आपको आपको कैसा लग रहा है, आपको बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा है? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आर्यमान ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, नोबल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मैं मल्टी टैलेंटेड बॉय का नाम इसने दर्ज कराया है कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, द मोस्ट ग्रास्पिंग पावर जीनियस किड के टाइटल के अंडर इसका नाम रिकॉर्ड हुआ है। इसको आपने ट्रेनिंग दी कि ये अपनी इच्छा से ही ये चीज़ें सारी करता रहा? जी बिल्कुल, ऐसा है कि इसके कुछ गुण हैं जिस पर मैंने फोकस किया। जब ये 6 माह का था तो ये अक्षरों में, लेटर्स में, नंबर्स में इंटरेस्ट लेता था। कुछ गेम्स इसके पास थे अल्फाबेट्स के, कुछ कार्टून में देखता था। तो फिर एक बार जब हम बाहर घूमने गए तो ये उनको पहचानने लगा अक्षरों को होर्डिंग देखकर। तो मैंने सोचा इसे ट्रेनिंग दी जाए अगर तो ये बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाएगा। तो मैंने वही स्टार्ट किया इसके ऊपर काम करना, कुछ चार्ट्स मंगाए, बुक्स मंगाए और इसको पढ़ाना चालू किया। तो इसमें ऐसा नहीं, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया, ये खुद मन से आता था मुझे बुक लेकर कि मुझे पढ़ाओ। तो मैंने इसको कोई फोर्स नहीं किया, ये खुद के इंटरेस्ट से आता था और इसने अपने इंटरेस्ट से ये सब अचीवमेंट किया है। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा बहुत गाइड किया है, बाकी ये सब करता गया। प्रोडिजी कोटा के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक स्पेशल कोटा के अंदर एडमिशन होता है। तो US, इंग्लैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, इंडिया में भी, तो यहाँ से बेस्ट स्कूल जो हैं वो ऑफर
हैं और सोच रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट इसको एजुकेशन में आगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 साल की उम्र है तो स्कूल के एडमिशन के लिए काफ़ी टाइम है, तो हम सोच रहे हैं आगे कुछ अच्छा हो उसके फ्यूचर। अच्छा, अराउंड 6 मंथ्स की इसकी उम्र थी, हम घूमने के लिए बाहर गए हुए थे मुंबई, तो रास्ते में हम कहीं जा रहे थे तो उसने होर्डिंग्स पे जो रोड पे नाम होते हैं डायरेक्शंस के लिए, तो वहाँ पे पढ़ के अपने आप लेटर्स पहचानने लगाई, और मतलब हमने इसके लिए एक एजुकेशनल मोबाइल ख़रीदा है। आमतौर पे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं, सोचते हैं गलत बात है, लेकिन हमने इसका शेड्यूल बांधा और उसमें सिर्फ एजुकेशनल गेम्स डाले और एजुकेशनल कार्टून्स पेरेंटल कंट्रोल्स के द्वारा कंट्रोल करके दिखाया इसको, तो ये उससे ग्रैस्प करने लगा और हमको इसका टैलेंट उस समय पता चला जब हम बाहर घूमने गए। फिर हमने उसको थोड़ा और ज़्यादा ग्रूम और गाइड करना शुरू किया, तो उसी बस ऐसे ही टैलेंट पता लगा हमको। अभी आप इसलिए आगे क्या करना चाहेंगे? आगे बस इसको मतलब हम बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तलाश में है कि अच्छे से जहाँ पे इसका टैलेंट नर्चर हो, और बहुत सारे ऑफर्स भी हैं इसको, अब हम चूज़ करेंगे उसमें से जो सबसे बेटर होगा उसके हिसाब से इसको ग्रूम करेंगे और कोशिश करेंगे कोई कमी नहीं रखे, इसके टैलेंट के साथ न्याय हो। तो आप तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पूरे परिवार को बहुत एक प्राउड जैसा हो रहा है कि इस तरह से बच्चे ने इतना बड़ा काम कर दिया, हमें तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन धीरे से इसने इतना बढ़िया करा है। तलाश कर रहे हैं कोई बेहतर अच्छा एजुकेशन जिसमें इसकी ज़्यादा इच्छा हो, रुचि हो, वो करवाएंगे और इसको डेवलप करना ज़्यादा है। आगे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, अगर इसमें भी जाएगा तो उसमें भेजने की कोशिश करेंगे। इतनी खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या करना चाहेंगे मतलब आगे के लिए? आगे पहुँचे और बहुत बड़ा बने, इतना बड़ा ऑफिसर कि दुनिया में इसका और ज़्यादा नाम हो। न्यू फेसिया हेयर एंड ब्यूटी लौंगा कंप्लीट फैमिली सैलून, हेयर सर्विस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, रॉयल बैडिंग प्री ब्राइडल पैकेज फॉर फीमेल एंड ग्रूम पैकेज फॉर मेल, स्किन ट्रीटमेंट सर्विस केमिकल बर्क फैमिली पैकेज। हमारा पता है फेसिया फैमिली सैलून, महाराष्ट्र बैंक के सामने, दिल्ली रोड, सागर।